जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, महात्मा गांधी का ट्रेन से उतरते हुए का जो पुतला बनाया गया है। एंड ऐसा माना जाता है कि जब बापू साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे और इंडिया में जब वो यहाँ प्रॉपर सब खाना ख़त्म करने के बाद अपनी बारी है इस मॉकटेल को ख़त्म करने की, एंड उस समय से मैं इसे कॉकटेल बोल रहा था, सॉरी गाइस, मतलब नहीं पिए थे कहीं और क्या करते कॉकटेल बोल दिए, लेकिन इसे मॉकटेल बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक एंड वेलकम बैक टू द ऑल न्यू शो ऑन माय चैनल बुक का ट्रैवलर। एंड अपने मोतिहारी सीरीज में कंटिन्यू करते हुए मैं पहुंच चुका हूं यहां के वन ऑफ द बेस्ट फेमस एंड मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट द अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में। अब मल्टी क्यूजिन इसे क्यों कहा जाता है वो तो आपको अंदर चल के मैं आपको दिखाऊंगा क्या कुछ खास इस रेस्टोरेंट में और क्यों इतना बोलबाला है इस रेस्टोरेंट का पूरे मोतिहारी में। जी दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के अंदर एंड देख सकते हैं ह्यूज एरिया है बैठने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ आप यहाँ बैठ सकते हो। एंड मल्टी क्यूजिन में इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ पे आप देख लो ये पूरा का पूरा जो लंबा सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये केक पेस्ट्रीज एंड चॉकलेट्स है, मतलब आप यहाँ पर बर्थडे के लिए हो, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में, किसी भी टाइप के सेलिब्रेशन के लिए आओ एंड कोई भी वेरायटी ऑफ चॉकलेट और केक आप खोजो या फिर डिमांड करो यहाँ पर आपको लिए तैयार हो सकते हैं। एंड गाइस, ये जो आप सेक्शन मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे आप आइसक्रीम हो या फिर कोल्ड कॉफ़ी या फिर कुछ भी हो ऐसा जूस के रिगार्डिंग, वो आप यहाँ पे आ सकते हो, आइसक्रीम जूस। सो गाइस, पूरे मोतिहारी में इस टाइप की फैसिलिटी आई डोंट थिंक कहीं और आपको मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ एक प्राइवेसी आप चाहते हो कि आप थोड़ा नुआज से दूर हो, थोड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट में खाना अगर खाना चाहते हो, उसके लिए भी एक अलग एरिया, चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। एंड गाइस, आप बाहर के एरिया जैसे रेस्टोरेंट वाले एरिया में आओगे यहाँ पे बिल्कुल ही आपको पीस मिलने वाला है, आपको बिल्कुल भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आप फैमिली के साथ कंफर्टेबली बैठ सकते हो या फिर अपने हस्बैंड वाइफ जो भी हो आप फैमिली में प्राइवेसी चाहते हो यहाँ पे मिलेगा आपको। एंड यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट फूड के लिए भी आ सकते हो, इसीलिए इसे मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट कहा गया। इधर वेज, नॉन वेज, जूस, कॉकटेल, कुछ भी आपको चाहिए यार, बस आप यहाँ आ जाओ, आपको सब मिलने वाला है एंड वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे। जी दोस्तों, रेस्टोरेंट एरिया कवर करने के बाद अब हम जल्दी चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या कुछ खास तरीके से यहाँ पे बनाया जाता है, कितना हाइजीन को मेंटेन किया जाता है यहाँ पे, जो भी है जो ओवरऑल फूड को तैयार किया जाता है, चलिए देखते हैं क्या कुछ खास डिशेज प्रिपेयर कर रहे हैं। हालांकि हाइजीन की बात करें वो ओवरऑल काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है, साफ सफाई भी मतलब ओवरऑल बेस्ट है मतलब रेस्टोरेंट के हिसाब से। एंड अभी इतनी भीड़ रहती है उसके हिसाब से एक साथ 4-5 कुक लगे हुए हैं लगातार बना रहे हैं, फिर उस्ताद जी लोग से बात करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास डिश बना रहे हैं। अभी भैया यहाँ पे जो प्याज का कस क्या बना रहे भैया, अभी आप मसाला बना रहे हैं, क्या चीज़ का मसाला? बटर मसाला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बटर मसाला बना रहा है, मतलब बटर पनीर वगैरह जो बनता है उसके लिए। जी हाँ, तो ये बटर पनीर वगैरह जो बनता है उसके लिए है। बाकी उधर एक उस्ताद जी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। यहाँ एक उस्ताद जी हैं जो कि कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं पनीर का। कौन सा डिश बना रहे हैं पनीर का? पनीर कढ़ाई बना रहे हैं मतलब, चलिए। एंड वहाँ पे है जो टमाटर वगैरह कटा रहा है, यहाँ पे है उस्ताद जो हमारे चाउमीन वगैरह कुछ बना रहे हैं, इनसे देखते हैं। आप क्या बना रहे हैं उस्ताद जी अभी? नूडल्स। प्लेन नूडल्स या मिक्स वेज नूडल्स? अभी ये वेज नूडल्स बना रहे हैं, कुछ मिक्स वगैरह नहीं है। तो ओवरऑल ये जो किचन एरिया काफ़ी डिसेंट सा है, काफ़ी बेटर है एंड ओवरऑल प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो वो भी काफ़ी बेस्ट है, मतलब हाइजीन मेंटेन किया जाता है काफ़ी अच्छा। जी दोस्तों, यहाँ अपना भी खाना आ चुका है तो चलिए करते हैं खाना वो टेस्ट एंड बता दो क्या कुछ खास तरीके से बनाया जाता है खाना। ओवरऑल उससे पहले स्टाफ की सर्विस की बात हो तो वो भी काफ़ी बेटर है एंड ऑर्डर भी काफ़ी जल्दी आ जाता है। मैंने लगभग 10-15 मिनट पहले ऑर्डर दिया था एंड बनकर तैयार हो चुका है। एंड मैंने ऑर्डर किया था एक नान एंड उसके साथ पनीर कढ़ाई, तो दोनों मेरा आ चुका है एंड उसके साथ काफ़ी ह्यूज अमाउंट में इन्होंने सैलेड दिया है, वो देखो आप, मतलब इतना सैलेड मुझे अकेले खाना, आदमी अगर सलाद ही खा ले तो बेचारा पेट फट जाए। हालांकि चलो करते हैं फूड को टेस्ट बिना किसी देर। जी दोस्तों, यहाँ खाना के टेस्ट करने के साथ साथ एक मेरे लिए कॉकटेल भी आ गया है जो कि काफ़ी बेटर लग रहा है देखने में। लेट्स टेस्ट, सबसे पहले कॉकटेल ही टेस्ट करते हैं, बता दो क्या कुछ खास टेस्ट है। हाँ, बिल्कुल रिफ्रेशिंग है यार। सबसे पहले खाना को ख़त्म करते हैं, उसके बाद उसको रिफ्रेशमेंट भी लेंगे। काफ़ी लजीज है यार,
मतलब ओवरऑल जितना डेकोरेटिव देखने में लग रहा था ना उससे कई गुना ज़्यादा बेटर है खाने में। अगर आप भी कभी मोतिहारी आते हो घूमने आते हो तो यहाँ पे आओ, फूड को टेस्ट करो। ये बिल्कुल ही द चंपा, ये बिल्कुल ही द चरखा पार्क, और उसके सामने जो गांधी संग्रहालय है उसके जैसे बिल्कुल आधा किलोमीटर के डिस्टेंस में। मैं आपको एड्रेस बता दूंगा, एड्रेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और वो जो मिक्सर है यहाँ पे कॉकटेल का फूड के साथ, वो भी काफ़ी बेटर बना रहा है इसे। चलो अभी खाते खाते बताता हूँ। बहुत से रेस्टोरेंट में अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पे क्या होता है टेस्ट बनाने के लिए उसमें काफ़ी आर्टिफिशियल सॉस वगैरह ऐड कर देते हैं, बट यहाँ पे जो है ना मतलब बिल्कुल एक मिक्सचर जो मसाला का है वो काफ़ी बैलेंस्ड है। एंड जो भी ये मसाला यूज़ करते हैं गाइस, मैं आपको बता दूँ खुद का इनका बनाया हुआ होता है, तो उससे जो टेस्ट आता है वो काफ़ी खुल के आता है, काफ़ी नेचुरल आता है। साथ ही साथ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट की बात होती है, इसको इसके अलावा इसको दो तीन और ब्रांचेज है, उसकी वजह से इनका जो बटर हुआ या घी हुआ ये खुद बनाते हैं। जो ये नान में यूज़ करते हैं बटर, वो भी खुद का हैंडमेड होता है, तो उससे जो नान का टेस्ट आता है ना वो बिल्कुल नेचुरल आता है। दैट्स वाई यहाँ पे लोग काफ़ी आना पसंद करते हैं। साथ ही साथ पनीर है ये खुद का बनाया हुआ यूज़ करते हैं, मार्केट से कुछ नहीं लेते हैं, मसाला भी खुद का होता है। जाहिर सी बात है जब सब कुछ अपना हो तो टेस्ट काफ़ी ओरिजिनल ही आएगा। हो गाइज, यहाँ मेरा नान खाना हो चुका है ख़त्म। गाइज यहाँ मेरा नान हो चुका है ख़त्म, एंड बाय द लक मैंने एक ही नान ऑर्डर किया था, एंड वो इतना ज़्यादा लार्ज था ना, मतलब मुझे खाते खाते पूरा पेट भर चुका है। अभी भी मेरे प्लेट में तो तीन चार पनीर के टुकड़े हैं, जबकि मेरे पनीर हाफ प्लेट का ही पनीर ऑर्डर किया था, और मेरा यहाँ पेट पूरी तरह फुल हो चुका है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, बस कॉकटेल पीऊँगा। और हाँ, यहाँ का स्पेशल एक कुल्फी है, वो भी मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगा कितना कुछ खास है यहाँ का। के और आपके सब परिवार को द अन्नपूर्णा फैमिली की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, तो बोलिए अंबे माते की। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि दीपावली छठ के टाइम में हमें माता का जय जयकारा क्यों लगा रहे हैं, तो बात ऐसा है, ये जो वीडियो है ना हमारे मोतिहारी सीरीज का ही दूसरा वीडियो है। अब समहाउ कुछ रीजन की वजह से हमारा फ़ोन गया था टूट, तो उस टाइम हम एडिट नहीं कर पाए और नहीं डाल पाए थे, बट अब सोचे कि चलिए फ़ोन वोन आ गया है तो बनाते हैं, डालते हैं। तो चलिए माता का जय जयकारा लगाते हुए वीडियो को आगे देखते हैं बिना किसी देरी के। एंड मैंने मोतिहारी सीरीज की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं पहुंचा हूं गांधी संग्रहालय में, जिसे गांधी म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं। एंड आप जैसे ये रहा, एंड ये रहा मेरे पीछे म्यूजियम का गेट, के बाद आपको दोनों तरफ पार्क देखने को मिल जाएंगे इधर साइड, जहाँ पे बहुत सारे झूले लगाए गए हैं, जहाँ पे आप अच्छे से बैठ कर टाइम पास वगैरह कर सकते हो, मतलब आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, अच्छा लगेगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1917 में, एंड गांधी जी के साथ जो जो लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उन सब के स्मारक बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, गांधी संग्रहालय हो, चरखा पार्क हो, या गांधी जी के नाम से कोई भी यहाँ पे पार्क या जगह हो, इनके सारे थॉट्स और विचार जो हैं वो बस दीवार पे लिखे रह गए हैं। मैं यहाँ जहाँ भी गया हूँ घूमने, सारे जगह कपल भरे भरे हैं, मतलब उनके विचारों को बस दीवार पे ही लोगों ने रहने दिया है। ये बिल्कुल ही अलग हटके है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मुझे हुआ, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, बट बिहार है यार, यहाँ पे वैसा कुछ होता नहीं है, बस सारे थॉट्स दीवार पे ही रह जाते हैं। बाकी और ओवरऑल साफ़ सफाई की बात को तो वो भी काफ़ी अच्छा था। बाकी चलो चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। मैं रिटर्न जाने वाला हूँ ट्रेन, क्योंकि इस शहर के कुछ इतिहास के दिन के रेलवे स्टेशन से भी जुड़ा है। जी दोस्तों, यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन के अंदर, एंड जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, महात्मा गांधी का ट्रेन से उतरते हुए का जो पुतला बनाया गया है। एंड ऐसा माना जाता है कि जब बापू साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, और इंडिया में जब वो यहाँ प्रॉपर बिहारी आए थे तो रेलवे के थ्रू ही आए थे, तो वहाँ पे इनका स्वागत ऐसे किया गया था। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे शॉट्स भी लिखे गए हैं महात्मा गांधी के। जी दोस्तों, इसी के साथ हमारा मोतिहारी सीरीज का लास्ट वीडियो यहीं पर होता है ख़त्म। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया, और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड हाँ दोस्तों उसमें जब आकर शेयर वेयर करो यार, मतलब दिखाओ कि है कोई बिहारी भैया जो मतलब खूब घूमते हैं यार, दिखाते हैं हम लोग को अच्छा अच्छा सा। एंड हाँ, आपके नज़र में कोई ऐसा कोई शहर हो या कोई जगह हो जो उसे अभी तक हम कवर नहीं कर पाए, कमेंट करो यार, मतलब साथ ही निकल पड़ेंगे घूमने, मतलब ठीक है ना। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टाटा।